हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। 28 साल बाद होली पर बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है, ऐसे में होलिका दहन करते समय एक काम भूलकर भी न करें। जानिए किस राशि पर क्या असर होगा। होलिका दहन 1 फरवरी दिन वीरवार को है और यह पूर्णिमा में किया जाता है। वीरवार को सुबह 8:57 पर पूर्णिमा का प्रारंभ हो रहा है, जो शुक्रवार सुबह 6:21 पर हो रही है। यह बात भृगु ज्योतिष केंद्र के प्रमुख बीरेंद्र नारायण मिश्र ने कही है। मिश्र ने बताया कि पूर्णिमा के साथ ही भद्रा भी लगा रही है। भद्र और प्रतिपदा में होलिका दहन नहीं किया जाता है। भद्रा काल में होलिका दहन करने से अनिष्ट होने का भय रहता है, पर शाम 7:40 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से होलिका दहन किया जाना शुभ रहेगा। मिश्र ने बताया कि इस बार की होली पर शनि धनु राशि में रहेगा। वहीं 28 वर्षों के बाद शनि देव गुरु बृहस्पति की राशि में है। इससे पहले यह 1990 में योग बना था। होली के साथ बसंत ऋतु का भी आगमन होता है। शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:53 पर है। सत्यनारायण व्रत, पूर्ण चंद्रमा की पूजा और पूर्णिमा का व्रत वीरवार को ही मनाया जाएगा। होली मिलन, होली का रंग खेलना 2 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में विधान है कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में होली खेलनी चाहिए। सिद्धांत ज्योतिषाचार्य रविन्द्र कुमार मिश्र और देवालय पूजक परिषद के कोषाध्यक्ष व सेक्टर 18 के श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी डॉक्टर लाल बहादुर दुबे ने बताया कि वीरवार को होलाष्टक समाप्त हो रहा है, इसलिए होली के दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। वीरेंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि राशियों के लिए अलग अलग प्रभाव होगा। मेष शुभदायक, वृष सुख में कमी। मिथुन यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि। कर्क परिश्रम से धन लाभ। सिंह नौकरी व्यापार में वृद्धि। कन्या आकस्मिक धन खर्च। तुला आकस्मिक धन लाभ। वृश्चिक कार्य व्यवसाय नौकरी में उत्थान। धनु शारीरिक और मानसिक परेशानी संभव। मकर कार्य अवरोध व धन फंसने का भय। कुंभ आत्मबल की कमी व भय। मीन सेहत का ध्यान रखना जरूरी।